हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा वर्ब बेसिक का पार्ट फोर। ये पूरी सीरीज़ में चला रहा हूँ और इस सीरीज़ में मैं क्लिंटू पैरामाउंट जो बुक है एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए हाईली रिकमेंडेड बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, सभी रैंकर्स एंड टॉपर्स इस बुक को पढ़ते हैं। तो इस पूरे वीडियो सीरीज़ में मैं इस पूरी बुक का वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा और सारे वीडियो क्लासेस एक ही प्लेलिस्ट में मैं आपको दूंगा, जिससे होगा क्या कि सारे सारे वीडियो क्लासेस आप सीक्वेंस में भी देख पाएंगे और इनको आप रिवाइज भी कर पाएंगे। तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये पार्ट फोर है वर्ब बेसिक का। इससे पहले के जो तीन पार्ट हैं उनको आप जरूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और सभी वीडियो क्लासेस को आप एंड तक देखें, क्योंकि इसमें मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी अपनी तरफ से कवर करूंगा जो कि एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए हाईली यूजफुल रहेंगे। तो इससे एप ग्रामर का आपका जो पूरा पूरा पार्ट है एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए, वो पूरा इसमें आपका कवर हो जाएगा। तो एसएससी के ये सभी एग्जाम्स इस सीरीज के थ्रू आपके कवर हो जाएंगे। यानी एसएससी में तीन पार्ट होते हैं, एक वर्बल एबिलिटी, एक ग्रामर और एक अंडरस्टैंडिंग। तो अप्लाइड ग्रामर का जो पूरा पार्ट है वो इस सीरीज के थ्रू आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। इसमें मैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी लूंगा और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि ऑट टू, ऑट टू ये आपने सुना होगा, ये एक मॉडल वर्ब है और शुड के इक्विवेलेंट इसको आप मान सकते हैं। शुड का छोटा भाई इसको आप मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, शुड के थ्रू हम सजेशन देते हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए, प्रेजेंट टेंस में चाहिए, और पास्ट टेंस में शुड हैव हम बोलते हैं, जिसका मतलब होता है चाहिए था। लेकिन ऑट टू का एक स्पेशल यूज है। ऑट टू के थ्रू हम मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन क्या होता है? मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है नैतिक कर्तव्य, नैतिक दायित्व। नैतिक कर्तव्य क्या मतलब है? देखिए, जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए, तो ये हमारा एक मोरल ऑब्लिगेशन है, ये एक नैतिक कर्तव्य है। यदि हम ऐसा नहीं भी करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, हमें कोई पनिश नहीं करेगा। यदि हम अपने पेरेंट्स के पैर नहीं छुएंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, कोई हमें पनिश नहीं करेगा। लेकिन ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो नैतिक कर्तव्य को दिखाने के लिए हम हमेशा ऑट टू का प्रयोग करते हैं और ऑट टू के साथ वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिए, और ऑट टू टू के बिना यूज नहीं होता है। ऑट का कोई सा भी वेरियंट जो होगा वो टू के बिना यूज नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बता देता हूं, तो इससे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। वी ऑट टू लव, देखिए ऑट टू लगा है, ऑट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो ये सेंटेंस सही है। वी ऑट टू लव आर कंट्री। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आर पेरेंट्स, तो ये सेंटेंस भी सही है, ये सही है, ये सही है। अब इसमें गलत क्या हो सकता है? यदि एग्जामिनर यहां से टू हटा दे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। लव की जगह लव्ड कर दे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर रिस्पेक्ट की जगह रिस्पेक्टिंग या रिस्पेक्टेड हो जाए तो गलत हो जाएगा। तो हमेशा जब भी आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करें तो इंग्लिश सेक्शन भी और दूसरे सेक्शन भी आपको एनालिटिकल तरीके से पढ़ना है, आपको एनालाइज करते हुए सारी चीज़ों को पढ़ना है कि यहाँ पर यदि ये लगाएंगे तो ये गलत होगा और गलत होगा तो क्यों होगा। अब देखिए, मस्ट प्लस बी वन को हम लगाते हैं। देखिए, जितनी भी ये मॉडल वर्ब हैं, ऑट टू हुआ, कुड हुआ, शुड हुआ, मस्ट हुआ, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे। तो मस्ट प्लस बी वन का यूज़ करते हैं हम कंपल्शन के लिए, अनिवार्यता हमें दिखानी है, दृढ़ निश्चय दिखाना है, ड्यूटी दिखानी है। देखिए, ये सेंटेंसेस से आपको समझ में आ जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको इंक में ही, इंक से ही लिखना है, स्याही से लिखना है। इंक के साथ हम हमेशा इन लगाते हैं, कभी भी बाई नहीं लगाते हैं। इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप, इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना ही है, ये इसका मतलब है। अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, एक सोल्जर को अपनी कंट्री के लिए लड़ना ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पर मस्ट का एकदम सही यूज हो रहा है। यहां पर आप मस्ट के स्थान पर यदि शुड लगाएंगे तो वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि शुड का प्रयोग हम सजेशन के लिए करते हैं। तो इस तरीके से आपको इन सारे बेसिक चीज़ों को समझना है। अब देखिए, यहां पर मैं एक यूज टू का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि यूज टू प्लस बी वन इज यूज टू शो पास्ट हैबिचुअल एक्शन। ये तो हम सभी को पता है कि यूज टू प्लस बी वन इसका इसका हम प्रयोग किस लिए करते हैं? पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए। जैसे
जब मैं कॉलेज में था तो क्रिकेट खेला करता था, मैं वहाँ मंदिर जाया करता था, मैं अपने पेरेंट्स से मिलने जाया करता था। तो यूज टू प्लस बी वन बताता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को, प्रेजेंट टेंस में इसका यूज़ नहीं करना है। यदि आप प्रेजेंट टेंस में करेंगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ही यूजेस टू स्टडी टिल 10 PM एंड देन गोज टू बेड, मतलब वो 10 बजे तक स्टडी करता है और उसके बाद सोने चला जाता है। तो यहाँ पर रूटीन एक्टिविटी को दिखाने के लिए यूजेस का प्रयोग किया है, जो कि गलत है। यूजेस टू का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में नहीं करते हैं, इसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो ऊपर वाला जो सेंटेंस है जो मैंने रेड कलर में दिया है, ये गलत है और ये आपका सही है। ही स्टडीज टिल 5 PM एंड देन गोज टू बेड, ठीक है, तो ये सेंटेंस सही है। अब देखिए एग्जामिनर क्या हो करेगा कि इस सेंटेंस को आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके देगा और आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए स्टडीज के स्थान पर यदि स्टडी लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, स्टडीज सही है। इस तरीके से एनालाइज करते हुए आपको पढ़ना है। टिल के स्थान पर यदि बाय लगाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि टिल कंटिन्यूअस जो एक्टिविटी होती है उसके एंड पॉइंट को बताता है। सपोज ये काम आप कर रहे हैं, सपोज आप पढ़ा रहे हैं 10 बजे से 6 बजे तक, तो 6 बजे का जो टाइम है वो एंड पॉइंट है कंटिन्यूअस एक्टिविटी का। तो टिल कंटिन्यूअस एक्टिविटी के एंड पॉइंट को बताता है। बाय यहां पर नहीं आ सकता, बाय का मतलब होता है नॉट लेटर देन, इसके बाद नहीं, ठीक है। तो यहां पर यदि आप बाय लगा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहां पर आ जाइए, यहां पर यदि गोज के स्थान पर आप गो लगा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि गोज ही सही होगा क्योंकि ये ही के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब आप SSC में पर्टिकुलरली इंग्लिश सेक्शन को पढ़ें तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एनालाइज करते हुए एक एक वर्ड को बता रहा हूं, ऐसे ही आपको सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। अब यहां पर देखिए यूज टू को अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में कैसे यूज करेंगे ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ही यूज टू कम हेयर, ये सही है। ही यूज नॉट टू कम हेयर, वो यहां पर नहीं आया करता था। तो ये देखिए सेकेंड वाला सेंटेंस भी सही है। ये ग्रीन कलर में जितने भी सेंटेंसेस मैंने इस वीडियो क्लास में दिए हैं ये सारे सही हैं। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ही डिड नॉट यूज टू कम हेयर, ये सही है सेंटेंस, क्योंकि डिड नॉट के साथ यहां पर फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करेंगे। डिड ही यूज टू कम हेयर, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं ये भी सही हैं, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ आपको रॉन्ग सेंटेंसेस बताता हूं, ये होते हैं, ये हैं रॉन्ग सेंटेंसेस। ही हैज यूज्ड टू कम हेयर, अब यूज टू होता है पास्ट में, हैज होता है प्रेजेंट में, तो ये सेंटेंस गलत हो गया, पास्ट और प्रेजेंट को हम नहीं जोड़ सकते। ही यूज्ड नॉट टू कम, टू के बाद यूज टू के बाद, यूज टू या यूज नॉट टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां पर क्या है पास्ट फॉर्म, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। ही डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो SSC का कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, CHSL, CGL, CPO, स्टेनो, तो मेरी ये पूरी वीडियो सीरीज आप जरूर देखें। डिड ही यूज टू, यहाँ पर यूज टू के बाद ये फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये सेंटेंस गलत हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये सेंटेंसेस को आपको स्टडी करना है। इम्पॉर्टेंट ये देखिए, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जो फ्रेजेस हैं इन सभी के बाद वर्ब की ING फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। यदि हम वर्ब की ING फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस गलत आपका हो जाएगा, क्योंकि ये सारे फ्रेजेस जो हैं ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, और प्रपोजिशनल फ्रेजेस या प्रपोजिशन के बाद हम क्या लगाते हैं, हम नाउन लगाते हैं। तो इसके बाद या तो आप नाउन लगा सकते हैं कोई भी किसी भी चीज़ का नाम, या फिर आप वर्ब की ING फॉर्म लगाएंगे जो कि जेरंड फॉर्म होती है, और वो जेरंड फॉर्म वर्बल नाउन फॉर्म होती है एक्चुअली, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझना है, इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो स्पॉटिंग एरर में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलर्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यूज टू के साथ यदि इजेमआर आएगा या गेट आएगा तो इसके साथ आप ING फॉर्म लगाएंगे। एकस्टम का मतलब आदत पड़ जाना, अभ्यस्त हो जाना। एबस टू किसी चीज़ को डिसलाइक करना, ठीक है। विद ए व्यू टू का मतलब है ये मानते हुए। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी चीज का बेसब्री के साथ या खुशी के साथ इंतजार करना। ऑब्जेक्ट टू किसी चीज का विरोध करना, ठीक है। इन एडिशन टू इसके अलावा, डिवोटेड टू इसको समर्पित, एडिक्टेड टू किसी चीज का नशा होना, ओइंग टू इसकी वजह से,
गिविन टू, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, गिविन टू का मतलब होता है किसी चीज की तरफ झुकाव होना या संभावना होना। टेकन टू का भी, टेकन टू का मतलब होता है किसी चीज को पसंद करने लगना, टेक टू का मतलब होता है लाइक करना, और प्रोन टू का मतलब भी होता है किसी चीज की तरफ झुकाव होना। तो ये सारे जो फ्रेजेस हैं ये प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं, इसके साथ या तो आप नाउन लगाएंगे, राम श्याम मोहन, कोई भी नाउन, एनी नाउन, किसी भी चीज का नाम, या यदि आप वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है, जिसको हम जेरेंड फॉर्म बोलते हैं, वो नाउन फॉर्म होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैं आपको बताता हूँ। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। देखिए इन सभी फ्रेजेस के बाद, इन सभी फ्रेज के बाद आप यदि वॉट लगाएं, वॉट मतलब क्या, तो ये लग जाएगा इसके आगे। देखिए ही इज एडिक्टेड टू वॉट मतलब उस चीज को नशा है, लेकिन किस चीज का नशा है, वो चीज का नाम यहां पर आएगा। अब किसी भी चीज का नाम जो होता है वो क्या होता है, वो नाउन होता है। तो इसलिए ये जो यहां पर दिया है स्मोकिंग, ये नाउन इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, देखिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, मैं किस चीज का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर किस चीज की बात हो रही है, और चीज का मतलब होता है नाउन, तो इसलिए यहां पर हम वर्ब फॉर्म को नाउन के फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में लगाएंगे। यहां पर यदि आप मीट कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, यहां पर स्मोक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए ही गॉट यूज टू, यूज टू के साथ यदि गॉट या एजेमआर आएगा तो यहां पर फिर हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ही गॉट यूज टू ड्राइविंग ऑन द राइट व्हेन ही वाज इन लंदन, जब वो लंदन में था तो वो अभ्यस्त हो गया था राइट साइड में ड्राइविंग करने के लिए, ठीक है। गॉट यूज टू का मतलब होता है अभ्यस्त हो जाना, तो ये इसका मतलब है। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, और यहां पर देखिए डोंट वरी ही हैज ऑलवेज बीन गिवन टू ओवर ईटिंग, मतलब चिंता की कोई बात नहीं है, वो हमेशा से ओवर ईटिंग करता रहा है। गिविन टू ओवर ईटिंग का मतलब है कि इनक्लाइंड है वो ओवर ईटिंग के प्रति, ओवर ईटिंग की, ओवर ईटिंग करता है, उसका नेचर है, उसका व्यवहार ऐसा है, उसका उसका उसकी बॉडी इस तरह से है कि वो ओवर ईटिंग करता है, मतलब उस तरफ झुकाव है उसका। शी डिड नॉट टेक टू हर न्यू जॉब, टेक टू का मतलब क्या होता है, लाइक। तो यहां पर देखिए यदि आप लाइक लगाएंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, शी डिड नॉट टेक टू हर मतलब लाइक हर, ठीक है। द कॉमेडियन इज प्रोन टू सेइंग प्रिटी ऑफेंसिव थिंग्स, मतलब कॉमेडियन कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे लोगों को बुरा लग सकता है ड्यूरिंग हर स्टैंड अप रूटीन। तो प्रोन टू सेइंग बोलेंगे, प्रोन टू से नहीं बोलेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसको आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। अब देखिए यहां पर आपको कुछ चीज और समझनी है, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ जब आप मॉडल लगाते हैं, मॉडल के साथ जब आप हैव लगाते हैं, हैव के साथ जब आप V3 लगाते हैं, तो इसके कुछ, इस पैटर्न के कुछ हिडन मीनिंग्स होते हैं। उन हिडन मीनिंग्स को, उन छुपे हुए मीनिंग्स को समझना बेहद जरूरी है। ये मीनिंग्स क्या होते हैं, देखिए आई कुड स्कोर गुड मार्क्स, इस सेंटेंस का मतलब है कि पास्ट में आप बोल रहे हैं कि आई हैड द एबिलिटी, मेरे अंदर एबिलिटी थी, मेरे अंदर योग्यता थी, मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था, ठीक है। आई कुड हैव स्कोर्ड द गुड मार्क, ये हैव के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, या मैंने किया नहीं, ये इसका मतलब है। अब देखिए यू वर ड्राइविंग टू केयरलेसली, यू माइट हैव हिट द पोल, क्या मतलब है इसका, कि तुम गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे और हो सकता है कि आपकी गाड़ी पोल से हिट कर जाती और एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन थैंकफुली ऐसा नहीं हुआ। यानी कुड हैव का मतलब है कि ऐसा हो सकता था लेकिन इस बात का दुख है कि ऐसा नहीं हुआ। माइट हैव में ऐसा हो सकता था लेकिन इस बात का हम धन्यवाद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ। कुड हैव पॉजिटिव सेंस को बताता है, माइट हैव नेगेटिव सेंस को बताता है, ठीक है। कुड हैव का मतलब होता है कि ऐसा हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा नहीं हुआ ये दुख की बात है, जबकि माइट हैव में इसका उल्टा होता है। माइट हैव का मतलब है कि ऐसा हो सकता था और ऐसा नहीं हुआ तो ये अच्छा रहा। तो इन दोनों के अंतर को आपको समझना होगा, ये आपका हिडन मीनिंग है, ठीक है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू रिवीजन। एक वीडियो क्लास में मैं लिमिटेड कंटेंट ले रहा हूं, लेकिन इस लिमिटेड कंटेंट को आपको अच्छे तरीके से समझना है,
और काफ़ी सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस में इस सीरीज में आपको करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो हो एकदम हाई क्लास हो। ही इज़ प्रोन टू गेट सिक क्विकली, वह जल्दी से बीमार पड़ जाता है, वो प्रोन है इस चीज़ के लिए। तो प्रोन टू के बाद क्या लगाते हैं, कौन सी फॉर्म लगाते हैं, आई एन जी फॉर्म। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा बी। अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्री ऑनर। इसमें दो गलती हैं, कुड नहीं आएगा। एक एक सोल्जर को अपने कंट्री के लिए फाइट करना ही चाहिए, यहाँ पर मस्ट आएगा, और यहाँ पर हम बोलेंगे कंट्रीज ऑनर। तो इसमें दो गलतियाँ हो गई हैं, सी भी गलती है इसमें और ए भी गलती है, ठीक है। शी होप्ड दैट शी विल पास द एग्जाम विथ फ्लाई कलर। देखिए कहाँ कहाँ पर गलती है, मैं बता रहा हूँ आपको। शी होप्ड, ये पास्ट टेंस में है, अगर ये पास्ट टेंस में है तो ये किस में होगा, ये भी पास्ट टेंस में होगा, यानी इसमें एक पार्ट में ये गलती है और एक ये गलती है। फ्लाई कलर्स नहीं होता, फ्लाइंग कलर्स होता है, एक सी में गलती है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि एग्जामिनर यहाँ यहाँ पर आपको इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। एक सेंटेंस में दो गलतियाँ मैं इसलिए मैंने जानबूझ के ली हैं ताकि आपको मैं बता सकूँ कि कहाँ कहाँ पर एग्जामिनर किस किस तरीके से गलती आपको दे सकता है स्पॉटिंग के क्वेश्चंस में। देखिए, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। यहां पर नीड जो है ये रेगुलर वर्ब है, ठीक है, और यू के साथ इसमें एस नहीं लगेगा, यानी ये सही है। यहां पर नीड नॉट जो है, नीड नॉट और डेयर नॉट क्या होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं, इसमें एस नहीं लगेगा, इसके साथ डायरेक्ट हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी ये सेंटेंस सही है। फोर्थ वाला सेंटेंस जो है ये सही है। यहां पर देखिए, शी वुड ब्रेक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ, ठीक है, वो है एक प्लेट डेली तोड़ा करती थी जब वो दिल्ली आई थी पिछले महीने। तो वुड के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है और यहां पर भी पास्ट टेंस है, तो ये सही है सेंटेंस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, द कैंडिडेट्स मस्ट राइट बाय इंक। इंक के साथ हम बाय नहीं लगाते, हम लगाते हैं इन, तो यहां पर सी पार्ट जो है ये गलत है आपका। चलिए कुछ और सेंटेंस मैं आपको करवाऊंगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, नहीं होगा मीटिंग होगा, ठीक है, सी पार्ट गलत है इसका। बोथ ऑफ देम आर क्वाइट यूज टू ड्राइविंग फास्ट, ये सेंटेंस सही है। जब यूज टू के साथ इज एम आर लगा होता है तो इसके साथ हम वर्ब की आई एन जी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये सही है। ही होप्ड दैट ही वुड पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। होप्ड है पास्ट टेंस, होप्ड के साथ यहाँ वुड लगा है पास्ट टेंस, और फ्लाइंग कलर्स जो है ये सही एक्सप्रेशन है, ये भी सही है, पूरा सेंटेंस ये सही है। यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन अनइम्पोर्टेंट लेसन्स, ये सेंटेंस सही है, ठीक है, ये रिविजन के लिए मैंने फिर से ले लिया है। इफ़ यू वॉन्टेड टू सक्सीड, वॉन्टेड टू सक्सीड, सक्सीड फर्स्ट फॉर्म है, इसको ध्यान रखिए, सक्सीड फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीडेड सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। यू शुड हैव, देखिए हैव के साथ क्या लगाते हैं हम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगी है, फर्स्ट फॉर्म, सी पार्ट इसमें गलत हो गया। द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लिव लॉन्ग, क्या होगा इसमें, ओल्ड लेडी प्रेड, प्रेड पास्ट में है, क्या ये वाली वर्ब पास्ट में है, नहीं है, इसको हम करेंगे माइट, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना है। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। रामा मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। देखिए रामा मस्ट नॉट हैव हो सकता है, मस्ट नॉट हैव, मस्ट हैव होता है और इसका निगेटिव इक्विवेलेंट मस्ट नॉट हैव होता है, यानी टू यहां पर ये एक्स्ट्रा इसमें लगा हुआ है, ए पार्ट इसमें आपका आंसर होगा। मिस्ट्रेस के कई मीनिंग होते हैं, देखिए जो स्कूल्स में फीमेल टीचर्स होती हैं उनको हम मिस्ट्रेस बोल सकते हैं, कोई कोई महिला जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पर है, अथॉरिटी की पोजीशन में है, उसको भी मिस्ट्रेस बोल सकते हैं, कई मीनिंग होते हैं मिस्ट्रेस के, ठीक है। वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल, शुड बी के साथ क्या लगाएंगे हम, शुड बी पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये होना चाहिए रिसाइकल्ड, रिसाइकल्ड, ठीक है, बी पार्ट इसमें गलत होगा। शी इंटेंड टू रिमेन मिस्ट्रेस ऑफ हर ओन लाइफ व्हेन शी गेट्स मैरिड, शी के बाद इंटेंड्स है तो ये सही है, एस लगा हुआ है। रिमेन मिस्ट्रेस ऑफ, देखिए ये एक फ्रेज है, मिस्ट्रेस ऑफ हर का मतलब होता है कि
अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना। तो ये फ्रेज जो है ये सही है यहाँ पर, रिमेन मिस्ट्रेस ऑफ हर ओन लाइफ व्हेन शी गेट्स मैरिड, जब उसकी शादी हो जाएगी उसके बावजूद भी वो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में रखना चाहती है, ऐसा उसका इरादा है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर सही है क्योंकि शी के बाद भी गेट्स लगा है, ठीक है, इंटेंड में भी यस लगा है और ये सही है सेंटेंस। हरीश, नीड टू, देखिए यहाँ पर नीड नॉट आपका जो होता है वो मॉडल वर्ब होता है, उसमें एस नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर नीड है, नीड नॉट नहीं है, यानी ये रेगुलर वर्ब है, रेगुलर वर्ब है, इसका मतलब हरीश सिंगुलर के साथ यहाँ पर एस का प्रयोग हम जरूर जरूर करेंगे, ठीक है, यानी ए पार्ट इसमें गलत है। तो ये बेसिक पार्ट चल रहा है, एडवांस पार्ट भी मैं इसी सीरीज में कवर कराऊंगा और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इस सीरीज को देखने से आपको। When I was young, I could, can नहीं आएगा, could होगा, क्योंकि यहाँ पर ये was लगा है, was के साथ can होगा यहाँ पर। When I was young, I could run, could तो यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर ये होगा faster, क्योंकि comparative degree को हम then से जोड़ते हैं, faster than Mohan, ठीक है। कुछ sentences और देखते हैं, She may live long, his sad mother prayed। देखिए यहाँ पर प्रेड है, पास्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पर ये पास्ट टेंस में नहीं आएगा क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास में ये एज इट इज ही रहेगा, यानी ये सेंटेंस सही है। इफ़ यू आर जॉगिंग क्लोथ्स वर नॉट मेड ऑफ परमिएबल फैब्रिक यू वुड होगा, ये वर्ब पास्ट टेंस होता है, इसलिए यहाँ पर ये होगा वुड, बी पार्ट गलत है, ठीक है। Owing to the heavy rain, owing to के बाद हम noun लगा सकते हैं या ing form लगा सकते हैं, यहाँ पर ये noun लगा हुआ है, heavy rains, the ship sink नहीं होगा, ship जहाज़ डूब गया, यानी past tense हम यहाँ पर लेंगे, तो sink का past tense क्या होता है, sank, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक व्यक्ति डूब सकता है और एक वस्तु डूब सकती है, व्यक्ति के डूबने के लिए हम ड्राउन वर्ड का यूज करते हैं, वस्तु के डूबने के लिए हम सिंक वर्ड का यूज करते हैं, तो सिंक वर्ड तो यहां पर सही यूज हुआ है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे सैंक, ठीक है। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड, यहां पर स्थापित है, तो इस सिचुएटेड जो है ये सही फ्रेज है, ठीक है, ये सेंटेंस 60 नंबर का सेंटेंस आपका सही है। आगे देखते हैं, ही वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नीदर वॉज यू, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वॉज या वर, वर आएगी, तो यहां पर ये वर होगा, यानी सी इसमें आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से ये वर्ब बेसिक का पार्ट फोर्थ था, इससे आगे के पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा इस चैनल पर, और इसका इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश टू इंग्लिश वर्जन भी मैं अपलोड करूंगा, उसको भी मैं एक अलग प्लेलिस्ट में डालूंगा, ताकि जो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो यदि ये सीरीज अच्छी लगी है तो कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें इन वीडियो क्लासेस को, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में, थैंक यू।